मेवात किन्नू में हुई हिंसा के बाद अब प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया है। ऐसे में फरीदाबाद पलवल में पुलिस प्रशासन ने धारा 144 लगा दी और फ्लैग मार्च निकाला। फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर विकास अरोड़ा की अगुवाई में भारी पुलिस बल के साथ ये फ्लैग मार्च निकाला गया और पुलिस कमिश्नर ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वाले शरारती तत्वों को चेतावनी देते हुए कहा, यदि किसी ने भी फरीदाबाद में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। फरीदाबाद में बिल्कुल हालात सामान्य हैं और यहाँ पे हमने कल ही शाम से धारा 144 लगा दी थी, जिसमें 5 से ऊपर कोई भी व्यक्ति इकट्ठे नहीं हो सकते। और सुबह भी कई प्रोसेशन यहाँ पे निकलने थे फरीदाबाद में, कुछ धरने निकलने थे और उन पे हमने सख्ती कर दी सुबह से ही कि एक भी प्रोसेशन यहाँ पे जब तक धारा 144 लगी है वो नहीं निकलेगा, 5 से ऊपर व्यक्ति नहीं इकट्ठे हो सकते, और जो अगर निकालेगा तो उनको हमने सीधा या तो प्रिवेंटिव अरेस्ट किया है और या उनको मना कर दिया निकालने के लिए। तो कोई प्रोसेशन यहाँ पे किसी तरह का नहीं निकला है। दूसरा, यहाँ पे इंटरनेट सेवाएं ऑलरेडी बंद कर दी गई हैं, कल रात 12 बजे तक इंटरनेट सेवा बंद है और उसको कल रिव्यू कर लिया जाएगा, अगर एक दो दिन की और जरूरत पड़ेगी तो उसको कर लेंगे। बाकी पुलिस फोर्स में हमने डिटेलिंग पूरी कर दी है, जो कि शिफ्ट वाइज ड्यूटी लगा दी है और जितने भी हमारे फ्लैग मार्चेस ऑलरेडी ऑन हैं जिसमें हम फ्लैग मार्चेस कर रहे हैं, इसके अलावा हमारी जो रिजर्व्स, हाँ मैं फ्लैग मार्च खुद भी लीड कर रहा हूँ, और जो रिजर्व्स हैं हमारी वो तैयार हैं, टीयर गैस, वाटर कैनन, वज्रा, सब कुछ हमारी पूरी के पूरी हमने डिटेलिंग उनकी प्रॉपर कर दी है। उसके असामाजिक तत्वों के लिए सर, बेसिकली बात यह है कि हमने जो असामाजिक तत्व हैं उनको हमने आइडेंटिफाई कर रखा है, दोनों कम्युनिटी के हैं उनको हमने पहले से ही या तो राउंड अप कर लिया या प्रिवेंटिव अरेस्ट उनका कर दिया है, और उनको सबको बाकियों को भी एक मैसेज दे दिया है कि अगर कोई भी फरीदाबाद में पंगा करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा और कानून तोड़ने वाले के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जो पॉसिबल है वो हर हालत में की जाएगी। SHO उसको बहुत क्लियर का डायरेक्शन है कि पीस एंड हारमोनी मेंटेन करने के लिए जो भी रिक्वायर हो वो करेंगे। वहीं जिला उपायुक्त विक्रम सिंह ने बताया कि फरीदाबाद का माहौल फिलहाल शांत है, लेकिन शरारती तत्व माहौल ना बिगाड़ें, इसके लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। फरीदाबाद में माहौल ठीक है, परंतु फिर भी कोई ना कोई नोटेरियस एलिमेंट कहीं रहते हैं, तो हमारा सभी लोगों से आग्रह यही है कि किसी अफवाह पे भरोसा ना करें, जो सरकारी सूत्र से इन्फॉर्मेशन आ रही है उस पे वो आप आगे काइंडली शेयर करें। और माहौल ठीक है, अभी हम फ्लैग मार्च भी कर रहे हैं, सभी जो गांव हैं जो सेंसिटिव एरियाज हैं वहाँ पे भी जा रहे हैं। तो बिल्कुल ही उनके साथ अगर कोई भी ऐसी कोई इंसिडेंट को अंजाम देता है या अफवाह फैलाता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मेवात किन्नू में हुई हिंसा के बाद प्रदेश भर में पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है ताकि किसी भी प्रकार से माहौल न बिगड़ सके और शांति बनी रहे। पंजाब के सी टीवी के लिए फरीदाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।